सो वी हैव डिस अबाउट इन ह्यूमन वेलफेयर एंड देर वीव डिड टू टॉपिकोब्स इन हाउस होल्डक्ट एंड इंडस्ट्रिय माइक्रोव्स इन सीवेज ट्रीटमेंट तो आपको पता है कि सीवेज uh, क्या होता है बेसिकली हम डेली बेसिस बहुत सारा वेस्ट वाटर जो है उसको जनरेट होता है हमारे घरों से फैक्ट्री से और uh, काफी ज्यादा वेस्ट वाटर है लेकिन जो ये वेस्ट वाटर जाता है इसे मेनली ह्यूमन एक्सक्रीटा या ऑर्गेनिक जो मैटर होता है इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है इसी वजह से इसका इसको हम कहते हैं सीवेज तो सीवेज और द म्यूनसिपल वेस्ट वाटर इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स इसका जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर माइक्रोब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इट ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग और इसकी दो स्टेप है प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट तो जब हम बात करेंगे इट इंग ग्लोड रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डेब्रेस बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन जो भी ऊपर कूड़ा करकट है थोड़ा बहुत वो जो है उसको फिल्ट्रेशन से रिमूव कर देते हैं ठीक है एंड दे रिमूवल ऑफ ग्रेट ग्रिट क्या रहते हैं सॉइल या छोटे छोटे कंकर पत्थर जो पेबल्स होते छोटे छोटे कंकर वो सारा जो है सेडिमेंटेशन को नीचे से बिठा दिया जाता है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर ये जो है प्रोसेस फॉलो किया जाता है ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज एंड द सुपर फ्रॉम द प्राइमरी एफ्लुएंट तो जब हमने फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया तो दो चीजें बनी हैं एक है प्राइमरी स्लज जो कि नीचे बैठ गया था और दूसरा है सुपरनेटेंट जो कि प्राइमरी एफ्लुएंट है सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो अब क्या होता है कि प्राइमरी एफ्लुएंट है उसको एरेशन टैंक्स में डाला उसको कांस्टेंट एजिटेशन होता है बहुत जोर जोर से उसको जब हिलाया जाता है तो ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स इन टू फ्लॉक्स तो फ्लॉक्स में जितना भी वो सारा बैक्टीरिया फंगस है वो सारा मेश लाइक मास बन जाता है जिसको फ्लॉक कहते हैं और ये फिर क्या करता है जो फ्लॉक्स हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये उसके अंदर से ऑर्गेनिक uh, मैटर को इस इफ्लुएंट जो था उसमें से कंज्यूम करते हैं तो जब ये इसको कंज्यूम कर रहे हैं डाइजेस्ट कर रहे हैं तो ये ऑक्सीडेटिवली डाइजेस्ट करते हैं दैट मीन्स दे विल यूटिलाइज द ऑक्सीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर जो भी वो वाटर बॉडी है जहां से ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उस टैंक का उस टैंक के अंदर जितना भी ऑक्सीजन है अवेलेबल उसमें से ऑक्सीजन यूज करके वो ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेंगे तो दैट मीन्स कि जो भी ऑक्सीजन वहां पे है वो यूज होती रहती है धीरे धीरे कम होती जाती है इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर इन वन लीटर ऑफ वाटर इट इज द मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वॉटर The greater the BOD, more is its polluting potential. I hope this is clear to you. तो जितना उसमें obviously uh, organic matter होगा, उसके अंदर pollution level होगा, उतना ही oxygen demand रहेगा। अब उसके बाद secondary biological treatment में क्या होता है? अब जो effluent था, इसके अंदर से जो पानी है, वो settling tank में डाल दिया गया है, और उसमें से जो इफ्लुएंट निकला इसके बाद डाइजेशन के बाद वो जो पानी साफ पानी निकला उसके बाद वो नेचुरल वाटर बॉडीज में दोबारा से छोड़ देते हैं और जो फ्लॉक्स वो सेडिमेंट हो गए थे उनमें से एक पोर्शन को लेकर आज एक्टिवेटेड स्लज यूज किया जाता है ये जो है इसको वापस से एरेशन टैंक में डाल देते हैं ये इनोकुलम का काम करेगा फिर से वहाँ पे और बच्चे मल्टीप्लाई करके बन जाएंगे और दे विल बी डूइंग अ फंक्शन और जो बाकी का थोड़ा सा पोर्शन मतलब इनोकुलम की तरह है और बाकी का जो है फ्लॉक दैट इज यूज अप इन द लार्ज टैंक्स एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स और ये बैक्टीरिया और फंजाई जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो स्लज के बैक्टीरिया और फंजाई को डाइजेस्ट कर देता है यानी डाइजेस्ट करना होता है छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है तो जब उनको तोड़ रहा है तो वहां पे क्या बनता है वहां पे बनती हैं गैसेस हाइड्रोजन सिल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो इसी को बायोगैस भी कहते हैं तो अब ये क्या है कि बहुत अब पहले से ही मतलब ये जो ट्रीटमेंट है माइक्रोबियल ट्रीटमेंट है ऑफ द वॉटर बॉडीज इसको अभी तक कोई और दूसरा इसका सब्सटीट्यूट नहीं आ पाया जो एफिशिएंट हो जितना कि ये है लेकिन बिकॉज ऑफ़ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकॉज ऑफ़ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो हमारा वेस्ट वाटर का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लेकिन उतने ये जो हमारे एस टी पी हैं सी ट्रीटमेंट प्लाट्स उतनी प्रपोर्शन में नहीं है तो इसकी वजह से तो अभी क्या है कि बहुत सारा वेस्ट वाटर एस सच वाटर बॉडीज के अंदर चला जाता है और वो पॉल्यूशन कॉज करता है वहाँ पर

which help in cellulose digestion cattle dung gobar contains these bacteria so dung is used for generation of biogas theek hai cattle dung ke andar uske rumen ke andar ye methanogens present rehte hain aur ye help karte hain gobar gas ke production mein ये एक biogas plant दिखाया है इन्होंने इसमें एक concrete tank दिखा रखा है इस जो बायोबेस्ड को स्लरी को इकट्ठा करता है ये dung वगैरह देते हैं वो सारा इसके अंदर आता है ठीक है फीड हो रहा है, cover, है slurry, on on और फ्लोटिंग कवर ये फ्लोटिंग कवर है विच इज प्लेस्ड ओवर स्लरी विच कीप्स ऑन राइजिंग ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द गैस इन टैंक और यहाँ पे ऊपर देखो इसका जहां पे गैस अगर बन रही है ऊपर जा रहा है आउटलेट है जहां से गैस फिर जहां पे भी इसका यूज होना होता है फॉर कंबशन और अदर पर्पसेस ये वहां पे सप्लाई कर दी जाती है outlet is there to remove the spent slurry which will further be used as देखो ये स्पेंट स्लरी है ठीक है ना तो ये बाद में क्या हो जाएगा it will be used as fertilizer और ये जो बायोगैस बन रही है ये बायोगैस कहाँ पे यूज होगी कुकिंग में लाइटिंग में जो हमने आउटलेट सिखाए थे वो वहां जाते हैं ठीक है थे, से, से थे। अब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के हैव डेवलप्ड टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हाउ दे आर हेल्पिंग टू प्रोड्यूस बायोगैस और दे आर हेल्पिंग इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज दीवेज द वेस्ट वॉटर्स तो इसमें आज के टॉपिक हमने दोनों चीजें पढ़ी हैं थैंक यू